बधाई हो, यूपी सरकार का सपना पूरे होने की कगार पर है। अब उत्तर प्रदेश में रामराज्य स्थापित करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब सरकार को गुरुकुल पद्धति से शिक्षा व्यवस्था लागू करने में कोई अड़चन नहीं आने वाली है। यह बात कोई मैं हवा हवाई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसके पूरे सबूत आपके सामने रखूंगा। पूरा मामला क्या है जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। नोएडा के एक अखबार में छपी खबर से देश की शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार कर देने वाली एक बहुत बड़ी खबर का खुलासा हुआ है। इस अखबार की कटिंग को समाजवादी पार्टी द्वारा सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया है। अखबार में छपी इस खबर के अनुसार 38% छात्रों ने 5वीं कक्षा पास करने के बाद सरकारी स्कूल छोड़ दिया है। इन अभिभावकों ने अपने बच्चों का दाखिला निजी विद्यालयों में करवाने में भरोसा जताया है। इसलिए हमने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि यूपी सरकार का सपना पूरे होने वाला है, क्योंकि देश की केंद्र सरकार से लेकर विभिन्न राज्यों में भाजपा शासित प्रदेशों की सरकारों ने सरकारी विद्यालयों की खस्ता हालात पर कभी गौर किया ही नहीं है। इन सरकारों ने कभी ऐसी योजना नहीं बनाई जिनसे प्रभावित होकर छात्र और अभिभावक सरकारी विद्यालयों की ओर आकर्षित होकर इनमें अपना या अपने बच्चों का प्रवेश लें। भाजपा सरकारों की हमेशा यही मंशा रही है कि सरकारी विद्यालयों का तंत्र ध्वस्त हो जाए। फिर उन सत्ताधारी पार्टियों से जुड़े हुए नेता बड़े बड़े निजी विद्यालय खोलकर शिक्षा के नाम पर खुलेआम गौर धंधा कर सकें। और अधिकतर केसों में यह हो भी रहा है। जब सरकारी स्कूलों में अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश ही नहीं कराएंगे तो सरकार को सरकारी स्कूल बंद करने में कोई बाधा नहीं आएगी। और विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश की कम संख्या का हवाला देकर सरकार चुपके से स्कूलों को बंद कर निजीकरण की भेंट चढ़ा देगी। यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन सरकारी विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए छात्रों की रुचि क्यों नहीं है? सरकार ने इन विद्यालयों में प्रवेश संख्या बढ़ाने के लिए क्या जरूरी कदम उठाए हैं? सरकारी विद्यालयों की ऐसी खस्ता हालत के जिम्मेदार कौन है? अगर इन स्कूलों की खस्ता हालत के जिम्मेदार शिक्षक या शिक्षा अधिकारी हैं, तो इन पर सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? निश्चित तौर पर यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि खराब शिक्षा व्यवस्था के गुनाहगारों को सरकार का मौन समर्थन है। ये खबर भले ही नोएडा के एक अखबार में छपी है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की यह दुर्दशा लगभग पूरे देश में है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि गरीबों के बच्चे पढ़े, क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करती है और हमारे नेताओं सरकारों को देश में अंधभक्त तैयार करने हैं। ये सोचते हैं कि अगर गरीब शोषित SC ST OBC बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो सरकार में बैठे नेताओं के यार अड़ानी अम्बानी जैसे उद्योगपतियों के यहाँ कम वेतन पर बधुआ मजदूरी कौन करेगा? अगर ये बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो चुनावों में आगे चल के दारू नीट के नाम पर वोट कौन करेगा? अगर ये बच्चे पढ़ जाएंगे तो देश में अंधविश्वास में कौन रहेगा? अगर ये बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो देश में पाखंड और जात धर्म के नाम पर खून खराबा, हत्या और धार्मिक संप्रदाय दंगे कौन करेगा? तो साथियों, आपने देखा किस प्रकार से देश में शिक्षा की खस्ता हालत है। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? आपके आसपास के विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था की कैसी हालत है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और हाँ, आपको लगता है कि ये वीडियो लोगों को जागरूक करने के लिए उपयोगी है तो इसे आगे शेयर जरूर करें। नमस्कार।